ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे नाश्ते के लिए प्रिंस रोड पहुंच गई। किसी ने हलवा पूरी खाई तो किसी ने पराठों पर हाथ साफ किए। वजी जानेंगे कोयटा में मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। अकरम बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के प्रिंस रोड पर। ईद का तीसरा रोज है, शहरियों की बड़ी तादाद जो है बाजारों को पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रिंस रोड के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से, जहाँ पर जो है सुबह सवेरे शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ता करते हुए पाई गई। जो शहरी है उनका ये कहना है कि ईद का पहला रोज भी उन्होंने भरपूर इंजॉय किया और दूसरा रोज भी इंजॉय किया। आज ईद का तीसरा रोज है, सुबह सवेरे शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ते के लिए पहुंची है। कोई अंडे पराठे को इंजॉय कर रहा है, कोई कचौरी को इंजॉय कर रहा है, तो कोई जो है उसके साथ जो है हलवा पूरी को इंजॉय कर रहा है। शहरियों का ये कहना है कि ईद के दिनों में जब तक वो सुबह सवेरे नाश्ता घरों से बाहर नहीं करते तो उन्हें जो है ईद का मजा अधूरा सा रहता है। शहरियों के मुताबिक ये कहने का है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर वो अपने लिए भी जो है नाश्ता पैक करा रहे हैं, खुद भी यहाँ बैठ के होटलों में नाश्ते कर रहे हैं और अपने घर वालों के लिए भी पार्सल बना के ले जा रहे हैं। ईद के दिन सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद उन्होंने प्लान कर रखा है कि आज ईद का तीसरा रोज है, वो जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अजीज व अकारिब के साथ मुख्तलिफ जो है ना पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे। वहाँ पर ईद के तीसरे दिन को जो है नाश्ते के बाद प्लान करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और ईद के दिन को खूब यादगार बनाएंगे। जी।